गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, जितना हम किए थे उससे आगे देखते हैं। चलिए, व्हेन जंबाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और इस प्रकार जंबाजी का बचपन तो बीत गया, वो अपने पिता के जो कैटल्स हैं, मवेशियाँ हैं, उनको चराने के लिए ले जाते थे और उनको काफ़ी अच्छा लगता था वो दृश्य। लेकिन ये बताया गया है कि जंबाजी, जिनका जन्म पीपासर में हुआ, जिनके पिताजी ठाकुर लोहार सिंह थे, हमसा देवी उनकी माँ थी, जब वो 25 वर्ष के हुए तो क्या हुआ, एक ग्रेट, बहुत बड़ी डिजास्टर का अर्थ होता है जी आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा टुक ओवर द होल रीजन। रीजन का अर्थ है क्षेत्र, टुक ओवर का अर्थ है घेर लेना। उस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी आपदा ने, और आपदा भी क्या थी, प्राकृतिक आपदा थी, यानी वहाँ क्या गिरा, ड्राउट, DROUGHT, सूखा। एक और वर्ड होता है, ध्यान से देखना, DRAUGHT, ये DROUGHT है, ये ड्राउट है, ड्राउट, और ये ड्राफ्ट होता है जी, ड्राफ्ट, इसका अर्थ घूंट होता है, ध्यान रखना आप। तो एक महान, बहुत बड़ी आपदा ने घेर लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, थोड़ी बहुत वर्षा जो होती थी, डेट यूज टू, जो प्राय होती थी, कम आती थी, रेगुलरली, नियमित रूप से, सीज्ड का अर्थ होता है रुक जाना। कई बार कहते हैं ना कि पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया, यानी रोक दिया, वो भी रुक गई। ऑल टुगेदर का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, यानी अब बिल्कुल भी बरसातें नहीं हो रही है, बारिश थोड़ी बहुत जो होती थी वो भी बिल्कुल रुक गई, ऐसा वो कह रहा है। कब, जब जंबाजी कितने वर्ष के हो गए, जंबाजी जब हो गए आपके 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। द वर्स्ट सफरर्स, देखिए आप सब जानते हैं, गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही बैड, वर्स और वर्स्ट, सबसे बुरा। सफरर्स का अर्थ है पीड़ित, सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन हुए, वर द केटल, मवेशी थे, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, ये आ गया DROUGHT, देखिए कि सूखे के पहले वर्ष में, अकाल के पहले वर्ष में, दे कुड ईट, उन्होंने खाया, दे बाजरा स्ट्रो, यानी उन्होंने पहले वर्ष में जो बाजरे का जो सूखा हम रखते हैं, बाजरा निकालते समय जो निकलता है, जो अवशेष बचता है, वो खाया, स्ट्रो, वो सूखा घास, बाजरा निकालते समय जो बचता है वो, स्टोर अप इन द हाउसेज, जो घरों में सुरक्षित करके रखा हुआ था। द सेकेंड ईयर, और दूसरा वर्ष, वॉज वेरी बैड, दूसरा वर्ष उससे भी खराब था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड, देखिए जी ब्लेड का अर्थ वैसे पत्ती होता है, या तिनका कह सकते हैं आप, एक तिनका भी नहीं था, पत्ती नहीं थी, ऑफ ग्रास, घास की, लेफ्ट, जो बची हो, स्टैंडिंग, खड़ी हो, एनी वेयर, कहीं भी, यानी घास की एक तिनका पत्ती भी नहीं बची, सही बात है। पीपल हैक्ड, हैक का अर्थ होता जी काटना, लोगों ने काटने शुरू कर दिए या काट लिए, एट एनी ट्री दे कुड फाइंड, कोई भी पेड़ उनको मिल जाता, लोग काट देते, बेच देते, कुछ खा लेते, आगे लिखा भी है, एंड फेड द एनिमल्स, और अपने जानवरों को खिला देते, ऑन द लीव्स, उसकी पत्तियां वगैरह जो कुछ बचती हैं वो खिला देते। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल हंग्री एनिमल्स, ब्राउज यानी चारा, यानी वो कह रहा है इनफ करता पर्याप्त, फिर भी पर्याप्त चारा नहीं था भूखे जानवरों के लिए। एंड द ड्राउट, और वह सूखा कंटिन्यू जारी रहा, फॉर 8 कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है जी लगातार, कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है जी लगातार, 8 तक लगातार अकाल गिरा, 8 आप सोच लो, आप कल्पना करो,
द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बाइट ऑफ फॉलेज, यानी शाखाओं का आखिरी टुकड़ा भी काटते रहे। फ्रॉम ऑल द ट्रीज, पेड़ों की सारी शाखाओं को एक 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 करके सारी शाखाएं काट दी गई। विच फाइनली, जो आखिरकार आखिरकार क्या हुआ, बिगन टू ड्राई अप, वो पेड़ ही सूखना शुरू हो गया। यानी आप पेड़ की शाखाओं को भी एक सीमा तक काट सकते हैं, सारी शाखाएं नहीं काटते, लेकिन सारी शाखाओं को काट दिया गया और आखिरकार वो पेड़ हैं वो ही सूख गए। When the stored grain, स्टोर्ड का होता है इकट्ठा किया गया, ग्रेन का अर्थ है अनाज, और एग्जॉस्टिड, जब इकट्ठा किया गया अनाज एग्जॉस्टिड हो गया, एग्जॉस्ट करता था खत्म होना, पूरा होना। पीपल एट, लोगों ने शुरू कर दिया खाना, खेजड़ी पोड्स, तो उसके बाद जब वो इकट्ठा किया गया अनाज जब ख़त्म हो गया, तो लोगों ने खेजड़ी की जो फलियां हैं, पोड्स है, सांगरी वगैरह, उनको खाना शुरू कर दिया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, फ्लोर का अर्थ है आटा, और बेर के जो बीज होते हैं, गुठली वगैरह है, उनको पीस कर आटा बना के वो खाने लगे बेचारे। और ये सत्य घटना है बिल्कुल। When this too, उस समय इतना समर्थ नहीं थी सरकार की गरीबों को अनाज बांट दे, जैसे अभी कोरोना के काल में चल रहा है भारत, ये तो बहुत गुलाम भारत की बात चल रही है, 1551 1451 85 1500 के आसपास की बातें हैं। भारत तो आज़ादी के बाद भी अनाज को आयात करता था, बाद में आप सब जानते हैं कि हरित क्रांति की बदौलत भारत क्या है, आज बड़ी संख्या में भारत के पास अनाज है। ठीक है जी, आगे देखिए, ऐसे आगे लिखा है, When this too was exhausted, जब ये भी समाप्त हो गया, they tore the bark of the sangri trees, tore का अर्थ था चीरना, tear tore torn, tear tore torn, उन्होंने चीर दिया, the bark का अर्थ छाल, of छाल उतार दी, the sangri trees, जो सांगरी के पेड़ हैं उनकी छाल को उतारा, पाउडर्ड एंड कुक्ड इट, उनको पीसा और उसको पका के खाते थे बेचारे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक, वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए काले हिरण का क्या किया, शिकार किया। हंट का अर्थ होता शिकार करना। एवरी वन, प्रत्येक स्टार्विंग भूखे मरते हुए ब्लैक बक यानी काले हिरण का शिकार किया। एंड फाइनली, और आखिरकार, दे उन लोगों ने, एबडन का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दी ऑल होप, सारी की सारी आशा, एंड माइग्रेट इन मासिज, माइग्रेट का अर्थ होता पलायन करना, मासिज का अर्थ है बड़ी संख्या में, बेचारे मारवाड़ को छोड़ के जाने लगे दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे प्रदेश की तरफ, जहाँ बरसात होती थी और कुछ खाने को मिल जाए, वरना भूखे ही मर जाएंगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल, यानी वो कह रहा है कि जब लोग वहाँ से पलायन करने लगे, और उस पलायन में क्या हुआ कि देखिए लिखा है, टेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश ऑन द वे, वे करता है रास्ते में, टेन ऑफ थाउजेंड कहता है हजारों की संख्या में, कैटल करता है मवेशी, और पेरिश्ड का अर्थ होता है जी मर जाना, समानार्थी डिमाइस होता है मृत्यु का या पेरिश का, हजारों की संख्या में मवेशी रास्ते में मर गए, क्योंकि पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, कैसे चलेंगे वो आगे। बाई नाउ, अब तक द होल कंट्री, वह पूरा प्रदेश, वॉज बैरन, बैरन का अर्थ होता जी बंजर, ये आपका फर्टाइल का विलोम होता है, फर्टाइल का विलोम होता है बैरन, और अब वह प्रदेश पूर्ण रूप से बंजर बन चुका था। आगे लिखा है, There was not a tree in sight for miles together. मीलों तक आपको कोई भी एक वृक्ष भी दिखाई नहीं देगा। और लिखा है, nor a single cow, ना ही कोई गाय दिखाई देगी, nor a black buck, ना ही काला हिरण हिरण दिखाई देगा, सब कुछ तहस नहस हो गया। The only people to hold
ऑन वेरी बिग लैंड लॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर। केवल ऐसे ही व्यक्ति वहाँ रुके जो बड़े जमींदार थे, जैसे कि जम्बाजी के पिता विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा, जिनके पास बाजरे का बड़ा भंडारण था। डैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम, जो किसी तरह कठिन समय में जैसे तैसे चल पाया। हालांकि जम्बाजी के पिताजी ने काफ़ी अनाज बांट भी दिया गरीबों को, लेकिन आप सब जानते हैं कि पूरे मारवाड़ को तो वो खिला नहीं सकते थे। ठीक है जी, आगे देखिए। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्राउट, इस अकाल से, सूखे ने जम्बाजी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, यानी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। मैनी वर द नाइट्स, कई रातों तक ही स्पेंट इन वेकफुलनेस, वेकफुलनेस का अर्थ होता जागते हुए बिताना। कई रातें उन्होंने जागते हुए बिताई, कई रातें नींद नहीं आई। बिकॉज ऑफ, की वजह से, द सफरिंग पीड़ा ही सो अराउंड हिम, जो पीड़ा वो अपने चारों तरफ देख रहे थे, उस पीड़ा की वजह से कई रातें उन्हें नींद नहीं आई। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए बच्चे, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये सारी बातें उनको हंटेड करने लगी, भयभीत करने लगी दिन रात, क्योंकि जम्बाजी एक असाधारण बालक थे, उनके मन में कुछ करने की क्षमता थी, तो ये बार बार उसको परेशानी दे रही थी, अच्छा इंसान था वो। एंड फाइनली, और आखिरकार, एट द एज ऑफ 34, यानी 34 की उम्र में, आप देख सकते हैं 25 वर्ष के थे तब अकाल गिरा, और आप देखो 25 प्लस 8 आप कर दो 33 होते हैं, और फिर अगले ही वर्ष, 8 साल तो लगातार अकाल गिरे ही, और अगले ही वर्ष उन्होंने क्या निर्णय लिया, ही हैड ए विज़न। और जब वो 34 वर्ष के हो गए तो उन्हें विज़न दिखाई दिया। विज़न का अर्थ होता है अद्भुत ज्ञान या एक अलग ही मनोविकार, यानी आप कह सकते हैं जैसा जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ होगा कड़ी तपस्या के बाद, वैसा ही विजन उन्होंने देखा। ही सो मैन, उसने देखा, यानी एक ऐसी दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त हो गई कि उन्होंने क्या देखा, द मैन, आदमी को, इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, कि आदमी अपनी ही शक्ति में क्या हो गया है, अपनी ही ताकत में व्यक्ति इंटॉक्सिड हो गया है, यानी आप कह सकते हैं कि अपनी ही शक्ति के मद में, इंटॉक्सिड मद, नशे में आदमी है, इंटॉक्सिड यहाँ लिख रहा हूँ नशा, कि अपने नशे में आदमी है, आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विद हिज ओन पावर, अपनी शक्ति के नशे में क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहा है। द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने चारों तरफ की दुनिया आदमी खुद बर्बाद कर रहा है। ठीक है जी। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस सब को बदलेगा, यानी मारवाड़ को फिर हरा भरा बनाएगा। इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन, यदि जीवन को दोबारा फ्लरिश करना था, देखिए जी फ्लरिश का अर्थ होता है फलना फूलना, फलना फूलना, यदि जीवन जो है दोबारा उसको फलना फूलना है, इन दिस डेसोलेट लैंड, डेसोलेट का अर्थ होता है निर्जन, जहाँ लोग ही नहीं बचे थे इस भूमि पे, तो जम्बाजी ने देखा, द मैन, आदमी को, वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, फिर यहाँ जो लोग आए उनको अलग तरीके से रहना पड़ेगा, अलग सोच को पैदा करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स, और फिर आदमी को अलग ही टेनेंट यानी सिद्धांत, और बिलीफ का अर्थ यहाँ आप लगा सकते हैं धर्म, कि आदमी का सिद्धांत और धर्म फिर कुछ अलग ही होना चाहिए। और धर्म क्या है, देखिए कोई पूजा वाला धर्म नहीं है, आप समझना। जम्बाजी वांटेड द अर्थ, जम्बाजी चाहते धरती को, टू बी कवर्ड, कि धरती ढक जाए, कि धरती क्या है वो ढक जाए। जम्बाजी चाहते थे कि धरती जो है वो ढक जाए, कैसे देखना, कि धरती ढक जाए किससे, बाय एन एबुडेंस, एबुडेंस का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में ऑफ खेजड़ी, बेर, कैर, सांगरी ट्रीज, कि दोबारा जमीन
बेर के, खेजड़ी के, सांगरी के, केर के पेड़ से ढक जाए। और हम सब जानते हैं यदि पेड़ अत्यधिक होंगे तो शायद बरसात भी हो जाए, क्योंकि बरसात को पेड़ है वो खींचते हैं। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे हर्ड्स झुंड और ब्लैक बक, काले हिरणों का, टू फ्रोलिक अगेन। वो चाहते थे कि काले हिरणों का बड़ा झुंड आए और वो फ्रोलिक यानी प्रसन्नता से खेले। फ्रोलिक का अर्थ होता प्रसन्नता से घूमना अगेन दोबारा। एंड ही वॉन्टेड, वह चाहते थे मैन लोगों से टू वर्क फॉर दिस, किसके लिए आदमी काम करें, उसका सहयोग करें। जंबाजी न्यू, जंबाजी जानते थे द वे, रास्ता टू अचीव दिस, इसको प्राप्त कैसे किया जाए उसका तरीका भी उनको पता था। एंड ही बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया टू ब्रॉडकास्ट, देखिए जी ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रचार प्रसार करना, हिज मैसेज, अपने संदेश को, इन ईयर 1985 1485 में उन्होंने अपना संदेश जारी किया, अपनी शिक्षा जारी की, जैसे गुरु नानक साहिब ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी वैसे ही। हालांकि ये जो है जंबा जी, इन्होंने कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, मानवता के लिए कार्य किया। देखिए हिज मैसेज इंक्लूडेड, और उनके संदेश में शामिल थे 29 बेसिक गुण। 29 बेसिक का अर्थ होता है जी आधारभूत, टेनेंट्स का अर्थ होता है जी सिद्धांत, आधारभूत टेनेंट शामिल किए। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स, और उसके दो प्रमुख कमांडमेंट का अर्थ होता है धार्मिक आदेश, धार्मिक आदेश। और उनके दो धार्मिक आदेश थे, वर थे प्रोबिशन निषेधता, अगेंस्ट के विरुद्ध द कटिंग ऑफ ग्रीन ट्री, कि कोई भी हरा पेड़ जो है वो नहीं काटा जाएगा, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और कोई भी जानवर जो है उसको भी नहीं मारा जाएगा। जंबाजीज मैसेज, जंबाजी का संदेश ऑफ ह्यूमिनिटी, मानवता का, कि जंबाजी का जो मैसेज था जो मानवता के लिए था, रेस्पेक्ट जिसमें था फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों के लिए, केवल इंसान ही नहीं सब के लिए, जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के लिए। वॉज ईगरली का अर्थ है बड़ी उत्सुकता से उसको क्या कर लिया गया, बड़ी ही उत्सुकता से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग्स, और उनकी जो शिक्षा थी, प्रमोट, जो उसने प्रमोट किया, प्रेरित किया द इनहैबिटेंट्स, और इनहैबिटेंट्स का समानार्थी शब्द होता है जी ड्वेलर, निवासी, वहाँ के जो निवासी थे उनको, ऑफ हंड्रेड ऑफ विलेजेज, जो सैकड़ों हजारों गांव थे उनको, टू रिक्लोथ का अर्थ होता है पुनर्निर्माण करना, द अर्थ धरती का विद इट्स ग्रीन कवर, जिसमें धरती क्या है अपने ग्रीन कवर से दोबारा ढक जाएगी। ग्रीन कवर का मतलब आप समझ रहे हैं, हरियाली से ढक जाएगी। जंबाजी फॉलोवर, फॉलोवर का अर्थ था अनुनाई, जंबाजी के जो अनुनाई थे वर कॉल बिश्नोई, उनको बिश्नोई पुकारा गया। देखिए क्यों, 29ers 20 यानी 20, नोई यानी 9, बिकॉज क्योंकि दे अधियर टू, देखिए कई बार आता है कि अधियर टू का अर्थ होता है जी पालन करना, क्योंकि उन्होंने पालन किया, किसका पालन किया, जंबाजी 29 परसेप्ट्स, परसेप्ट्स का अर्थ होता सिद्धांत, जंबाजी के 29 सिद्धांतों का पालन किया। दे प्रिजर्व्ड द ट्री, प्रिजर्व्ड का अर्थ होता है संरक्षण देना, उन्होंने पेड़ पौधों को संरक्षण दिया। अराउंड देयर विलेजेज, अपने गांव के चारों तरफ, एंड प्रोटेक्ट, और सुरक्षा दी द ब्लैक बक, काले हिरणों को, चिंकारा को। और वो कह रहा है कि उन्होंने जो पीफोल है, पीफोल यानी मोर कह सकते हैं, जंगली मोर आप मानते हैं, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, सभी जो पक्षी हैं पशु हैं उनको भी उन्होंने सुरक्षा दी। ग्रेजुअली धीरे धीरे देयर, उनकी टेरिटरी का अर्थ होता है परिधि क्षेत्र, या क्षेत्र ही मान लें, कि धीरे धीरे उनका क्षेत्र जहाँ जंबाजी रहते थे पीपासर के आसपास का, बिकेम, बन गया कवर, ढक जाना बाय ट्रीज, पेड़ों से। देयर केटल, उनके जो मवेशी थे, हैड एबडेंट ब्राउज, एबडेंट का अर्थ होता है छोड़ना, और ब्राउज का अर्थ होता है जी चारा, कि उनके जो पशुओं के लिए जो चारा था वो छोड़ा उन्होंने। दे लैंड रिकवर्ड, और उनकी जमीन, उनकी भूमि दोबारा भर गई या प्राप्त कर लिया। फर्टिलिटी का अर्थ होता है उपजाऊपन। एंड और द बिश्नोईज, जो बिश्नोई थे बिकम, बन गए प्रोस्पर का अर्थ होता है समृद्ध, पीपल का अर्थ है लोग, यानी अब वो लोग भी समृद्ध हो गए क्योंकि अच्छी कृषि हो रही है, पशु पक्षी रख पा रहे हैं,
मवेशी रख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा वनस्पति को वहाँ डेवलप किया। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र से बाहर ऑल कंटिन्यू एज बिफोर, वैसे ही चलता रहा, काल गिरता रहा, कोई बरसात नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। द लैंड, जमीन वॉज स्टिल बींग स्ट्राइप ऑफ, स्ट्राइप का अर्थ होता जी वंचित, जिसको डिप्राइव्ड भी कहते हैं, डिप्राइव्ड भी इसका समानार्थी है। वो वंचित था ग्रीन कवर, हरियाली के आवरण से, यानी पेड़ पौधे नहीं थे। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, रेगिस्तान फैलता ही जा रहा था। द नाइन्थ डेसेंट ऑफ जम्बाजी इज कॉन्टेम्प्रेरी, यानी कॉन्टेम्प्रेरी का अर्थ होता जी समकालीन, नाइन्थ का अर्थ होता जी नोवा, यानी जम्बाजी के समकालीन नोवा वंशज किसका, ऑफ राव जोधा जी, राव जोधा जी के नवे वंशज, वॉज ऑक्युपाइड, नाउ ऑक्युपाइड, उन्होंने ग्रहण कर लिया द थ्रोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर के सिंहासन पे राव जोधा जी के नौवे वंशज अब क्या हो गए थे, विराजमान हो गए थे। इससे आगे हम कल देखेंगे, आप तैयारी लगातार रखें, समय का सही उपयोग करें।